अरे बताओ बाथरूम कहाँ है, कहीं निकल ना जाए यार। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, अर्चना जी मैं एक बहुत बड़ा जासूस हूँ। आप क्या सोच रही हैं बरखा जी कि मैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे छोटे सबूत बड़े बड़े देखता हूँ? नहीं, ये बहुत ही खास मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं इससे बिना कपड़ों के भी देख लेता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है जब मैंने कपड़े नहीं पहने होते तब भी देख लेता हूँ यार। What is this? मैं बता सकता हूँ सबका अंदर क्या क्या पहना है। ची, अबे इतना भी नहीं पता तुझे, जुराबें पैरों में पहनी जाती है। खैर मुझे बड़े बड़े लोगों, कपिल का मुझे फोन आया था, कहने लगे भाई साहब ये पता लगा ये शेर खान का सेट कहाँ लगा हुआ। मैंने कहा शेर खान के सेट का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बातों का सेट कॉमेडी सर्कस में लगा हुआ। खैर शेर खान के बारे में मजाक उड़ाना बंद करो यार तुम लोग। हाँ बहुत हो गया, अभी हमारी सोहेल भाई से 1-to-1 बात हुई वैनिटी में, उन्होंने खुद कहा है मुझे, कहते मैंने मजाक बंद कर दिया तुम भी मजाक बंद करो। खैर मेरी मोना डार्लिंग पता नहीं कहाँ चलेगी। मोना मोना, कितनी बार बोला यहाँ हाथ नहीं लगाने का, सॉरी। ये क्या कर रही है? मैं पैर छू रही हूँ। अच्छा हाँ। हाँ। कैसे है सर आप? एकदम बढ़िया, तू बता। सर, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तो मेरे लिए कुर्सी क्यों रखी है? मैं कुर्सी पे बैठूंगी। ओह डार्लिंग कम ऑन यार, अरे तुम्हारी जगह तो यहाँ आओ बेबी। सोहेल भाई लड़कियां देते नहीं अभी। बेबी ये बताओ किसी का फोन वोन आया था? सर आया था सर। किसका आया था? सर सलमान खान का फोन आया था। सलमान भाई का फोन आया था? जी सर। क्या कह रहे थे? सर वो कह रहे थे सोहेल को पेमेंट तो मिलती नहीं कॉमेडी सर्कस से। हाँ। तो इतनी देर रात वहाँ बैठा क्या करता है? देखो बात सोहेल भाई की चल रही है, बरखा को बीच में क्यों ला रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये पांव छू रहे हो? What is this? She's my secretary. Oh. Yeah. How much? What do you mean by how much? कैसा बंदा है, अंग्रेजी नहीं आती तेरे को? रेट क्या है, तनख्वाह कितनी देते हो उसको? अच्छा तनख्वाह, तनख्वाह हम इसको 20,000 रुपए देते हैं। 20,000 रुपया? हम्म। एक मिनट इधर। हम्म। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं थोड़ी देर के लिए इसके साथ गलत हो जाऊं? क्या बकवास करे, व्हाट डू यू मीन? I'm sorry. आप वही है ना जो देखने वाले? हाँ हाँ हाँ। सर मैं बड़ा दुखी, मुझे मेरा औरतों से विश्वास उठ गया है सर। अरे औरतों के ऊपर से तो मेरा भी विश्वास उठ गया यार, कल 2 बुलाई थी आई नहीं। सर एक्सक्यूज मी एक मिनट सर। हाँ। सर एक फोन आया था सर। किसका? राखी सावंत का फोन आया था सर। अच्छा हाँ। क्या बोल रही है? राखी सावंत कहती पता करो विपुल शाह की सेटिंग किसके साथ है, इस बार मुझे नहीं लिया। बात कब से सोहेल भाई की चल रही है, बरखा को बीच में क्यों लाते हो तुम लोग? अपने काम की बात कर यार। हाँ सर। हाँ इधर। हाँ मैंने जरा अकेले में बात करनी, इसको जरा अंदर भेजो, बात आपस में करनी। नहीं नहीं नहीं, इसको भेजो, इसकी कोई लाइन है? नहीं है। तो फिर 2 शॉट बनाते हैं, इसको अंदर भेजो। चल भाग इधर, भाग। हाँ ऐसे ऐसे शॉट खराब करेगी। सर खुशी खुशी में अपना गम भूल गया। हाँ क्या हुआ? ये बड़ा दुखी हूँ सर। सर मुझे अपनी बीवी पे बहुत शक हो रहा है आजकल। बीवी पे शक किस तरीके का मतलब? सर वो बड़ी गलत औरत है। अच्छा उसने बड़ा गलत किया है सर। क्या किया उसने? मैंने खुद देखा। हाँ। प्राय मर्द के साथ अरजाई में सो रही थी। व्हाट? अरजाई ऊपर। इस बात पे आपको शक हो गया? नहीं इस बात से शक नहीं हुआ, मैं समझ गया मैं किसी गरीब की मदद की होगी। पता क्या? नहीं होता यार कोई गरीब है अरजाई नहीं, इसके बाद तो हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है, वो बात नहीं है। अच्छा मुझे शक हुआ जब वही बंदा सुबह उठ के दोनों बाथरूम में सर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। oh, इस बात पे आपको शक हुआ? नहीं इस बात से शक नहीं हुआ क्योंकि पानी आ नहीं रहा था, मैं समझ गया नहा नहीं रहे, ये अंदर कोई शॉपिंग वगैरह करने गए होंगे। छोटी छोटी बातें ऐसे नहीं कर। असली शक मुझे तब हुआ सर जब मैंने खुद अपनी आंखों से उनको चाय पीते हुए देख लिया। चाय पीते हुए? मैं कह ये अब शादी करेंगे पक्का। अबे चाय का शक से क्या लेना देना बे? सर किशोर कुमार जी ने खुद कहा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया, इसका मतलब शादी करेंगे हम, समझ नहीं है ये साले। What the shuck is this you shucker?
शक हो गया इसको। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बात बताइए, आप मुझे अपनी बीवी का हुलिया बताइए। मेरी बीवी को सारा जो घमंड हुआ है उसको अपनी शक्ल से घमंड हुआ है, सुंदरता का घमंड हो गया उसको। अच्छा? हाँ जी। और मेरी बीवी का हुलिया बताता हूँ। हाँ। आपने करीना कपूर देखी होगी? हाँ हाँ देखी। बस समझ लो उसने हाथी रखा हुआ है, तो हाथी जैसी बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। वाह वाह वाह, अपनी खूबसूरत बीवी की बदनामी की जा रही है। खड़े हो, तुम सबके सामने बोल रहे होगे कि तुम्हारी बीवी करैक्टर लेस है, कोई भी जवान लड़का देखती है उसे चिपक जाती है, गले लगा लेती है, जफियां डालती है। अगर मैं ऐसी होती ना तो अब तक इसको पकड़ के जफियां डाल लेती, और अगर मैं ऐसी होती ना तो पकड़ के 3-4 पतियां कर लेती। अगर मैं ऐसी होती ना तो उछल के इसकी गोद में चढ़ जाती। सर सर आप देख लीजिए आपके सामने ये गलत हुई कि नहीं। वाह जजिस वाह, अब मैं एग्जांपल भी ना दूं। हाँ बहुत अच्छे, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, ये आदमी ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। खाली क्यों झूठ बोलती, उस दिन जब मैंने ऐसे कहा था बाहर एक कोई आया वो हाथ किसने लगाया था। तुमने मेरी जवानी बर्बाद कर दी है, तुमने सिर्फ मुझसे शादी रोटियां बनवाने के लिए की है। तो कल आलू गोभी तेरे बाप ने बनवाए थे तेरे से। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ। That's all my lord. My lord. My lord. My lord. बात करते हैं साले। My lord act की my lord करती तुम लोगों ने। आप बकवास कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से दोनों मिलके। मैंने आज तक इसका मूड बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सेक्सी सेक्सी नाइटी डाल के, गीले गीले बाल करके, ग्लॉसी लिप्स करके इसके सामने ये सब किया, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। वाह भारती वाह, इल्जाम जब तूने ऐसे ऐसा किया था तो क्या तेरे चरणों में मैंने फूल चढ़ा के मथा नहीं टेका। मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, मैं कहां जाऊं। दिस इज माय कार्ड। नहीं नहीं कार्ड नहीं, कैश पेमेंट। अबे विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं मैं। कैश पेमेंट। कार्ड दीजिए चाहे कैश, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। That's all my lord. My lord, my lord, my lord, my lord. बकवास करते दोनों। अरे एक्ट की my lord कर दिए तुम लोगों ने। अब इसका फैसला हमारे दो जज करेंगे। My lord बताइए इनको क्या करना है इसका। तो my lord अर्चना से पूछते हैं कैसा लगा उनको ये एक्ट। What the shock, यार। My lord, ये रहा। सोहेल। The first act of खिचड़ी। Loss or a 10?